अरे फ्रैंकली भैया, फ्रैंकली भैया। अरे हाँ वाह सिंचन, क्या हो गया? अरे फ्रैंकली मैं सोच रहा हूँ, अगर एक बात तो बताइए, अगर मेरा कोई भाई होता जुड़वा तो आप क्या करते हैं? एक सेकंड, जुड़वा भाई? भाई ऑलरेडी तेरे पास एक बहन है ऑलरेडी सिंचन, भाई जुड़वा भाई लेके तू क्या करेगा? अरे मजा आता ना? अरे यार कुछ मजा नहीं आता भाई, मैं एक को तो झेल नहीं पा रहा तो मैं कहाँ से झेलूंगा? पागल है क्या सिंचन, एक और आ गया ना तो सच में दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ऊपर वाले प्लीज, मेरा कोई जुड़वा भाई है तो प्लीज मुझे दे दो ना। गाइस ये सिंचन क्या मांग रहा है ऊपर वाले से? भाई साहब प्लीज ऊपर वाले ऐसा मत करना, भाई मैंने और नहीं संभाल सकता सिंचन जैसे लोगों को। ओए ओए ओए, हाय दोस्तों, मेरा नाम है पिंचन हरा और पता है मैं 5 साल का हूँ। अरे अरे मैं कहाँ गिर रहा हूँ? अरे ये पता नहीं कौन सी जगह है, मैं डायरेक्ट आसमान से गिरा और यहाँ पे गिर रहा हूँ। अरे ये कौन सी जगह है? ओए ओए ओए, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। अरे बापरे, मैं तो पानी में गिर रहा हूँ। एक सेकंड गाइस यार, अब पानी में कौन गिरा? ऊपर से भाई बिल्ली भी गिरने लगी है क्या पानी में? अरे फ्रैंकली मैं सोचिए, काश वो मेरा जुड़वा भाई हो। अरे बापरे, पानी में गिर के तो भींग गया पूरा। अरे तुम तो पूरे मेरे जैसे दिखते हो। एक सेकंड भाई, ये दोनों तो सेम है, बस थोड़ा बहुत शक्ल अलग है। एक सेकंड गाइस, ये हो क्या गया? मतलब कि दो सिंचन कैसे हो सकते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा नाम है पिंचन। अरे अच्छा, तुम्हारा नाम है पिंचन? पता है मेरा नाम है सिंचन। एक सेकंड गाइस, ये लोग दोनों की आवाज भी सेम है, भाई मैं एक को तो झेल नहीं पाता, यहाँ पे दो दो आ चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा? गाइस मेरा ना दिमाग फट रहा है, ये कैसे हो गया? ए ऊपर वाली, ये क्या कर डाला? ये कोई सपना तो नहीं है? कोई मुझे थप्पड़ मारो तो। अरे हाँ मैं मारता हूँ। अरे मैं भी मारता हूँ। एक सेकंड, तुम लोग दोनों चुप हो जाओ, गालों में थप्पड़ मारोगे तुम लोग दोनों मिलकर के। नहीं नहीं, ये रियलिटी है। एक सेकंड भाई, पिंचन तुम्हारा नाम पिंचन है ना? भाई तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अरे मुझे कुछ नहीं पता, पता है मैंने अपने घर में था, पता नहीं जैसे ही आग बंद किया और खोला तो मैं ऊपर से नीचे गिर रहा था। एक सेकंड गाइस यार, मुझे लगता है जिस तरीके से सिंचन यहाँ पे आया था उस तरीके से भाई दूसरे यूनिवर्स से, मतलब दूसरे के दुनिया से भाई ये पिंचन भी आ चुका है। अरे क्या फ्रैंकली भैया, मतलब कि मेरा कोई दूसरा वर्ल्ड भी है? अरे यार पता नहीं, बट ऐसा कहा तो जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत सारे दूसरे दूसरे दुनिया, मतलब कि मेरा भी कोई हमशक्ल दूसरे दुनिया में हो गई होगा। अरे तो मुझे पक्का कि नहीं, वो आपकी तरह काला और फट्टू होगा। एक सेकंड, यहाँ पे भी मेरी मजाक ही कर रहा है तुम लोग दोनों यार सच में बहुत ज्यादा बदमाश हो, मुझे पक्का यकीन है। गाइस यार देखो तो, ये हमारा पिंचन किस तरीके से लग रहा है, मतलब कि रेड कलर का कपड़ा और भाई आंखें भी अजीब है। हमारा सिंचन तो थोड़ा सा स्मार्ट हो गया मेरे साथ रह करके। अरे चुप करिए फ्रैंकली भैया, मैं थोड़ी ना स्मार्ट हुआ, आप मेरे से रह करके स्मार्ट हो गए हैं। एक सेकंड गाइस यार, क्या ऐसा सच बात है मैं स्मार्ट हुआ हूँ कि सिंचन स्मार्ट हुआ है? पता नहीं यार, बट हमारे साथ एक और जन भी जुड़ चुका है पिंचन। सो गाइस यार, अब आप लोग सिंचन के साथ वीडियो देखते थे तो मजा तो आया था, अब यार पिंचन के साथ देखेंगे डबल मजा आ जाएगा। अरे एक बात तो बताइए, आप लोग दोनों मुझे आज क्या क्या दिखाएंगे? एक सेकंड पिंचन भाई, और आज तुम्हारा पहला दिन है तो क्यों ना भाई एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाता हूँ। मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ी है, मतलब कि इतनी गाड़ी कि तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे हाँ हाँ, पिंचन देखना चाहता है तो आ जाओ यार पिंचन, पीछे पीछे आ जाओ, मेरा गैराज ऊपर ही पड़ता है, मेरे पास ना इतनी सारी गाड़ी है, तुम देखते देखते बेहोश हो जाओगे। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, देखो मेरे पास कितनी सारी गाड़ी है। एक सेकंड, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? गाड़ी तो मेरे पास बहुत सारी थी। एक सेकंड सिंचन, अरे माफ करिएगा फ्रैंकली बा, चॉकलेट चिप्स के चक्कर में मैंने तो आपकी गाड़ी बेच डाली। एक सेकंड गाइस यार, इसने मेरी इतनी सारी गाड़ी बेच डाली चॉकलेट चिप्स के चक्कर में, तू पागल वागल है क्या सिंचन? अरे एक बात तो बताइए, यहाँ पे चॉकलेट चिप्स मिलता है? पता है मुझे ना बहुत टाइम हो चुका है, मैंने चॉकलेट चिप्स नहीं खाई। अरे पिंचन चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें दिलाऊंगा ना चॉकलेट चिप्स, फ्रैंकली बा दिलाएंगे ना चॉकलेट चिप्स। एक सेकंड गाइस यार, पैसा वैसा है नहीं और इसे चॉको चिप्स खानी है। चलो यार ठीक है, मैं तुम्हें दिला ही देता हूँ, आ जाओ पीछे पीछे। भाई साहब दिक्कत ही इतना ना, मैं क्या बताऊँ। टैक्सी, ओए टैक्सी। एक सेकंड यार, टैक्सी भी मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे उसके लिए रोड के पास जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, बगल वाले की गाड़ी यार उधारी में ले लेता हूँ। माफ करिएगा, मैं आपकी गाड़ी उधारी में ले रहा हूँ, बाद में आपको लौटा दूंगा पड़ोसी। चलो यार जल्दी चलो, आ जाओ तुम लोग दोनों ये गाड़ी में बैठो जल्दी से। अरे मैं पहले बैठूंगा, मैं क्योंकि मैं सिंचन हूँ ना। ठीक है पिंचन पीछे बैठेगा। एक सेकंड गाइस यार, ये लोग दोनों ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही छोटे मोटे और बहुत ही शैतान है भाई, और मुझे कुछ भी करके यार ये लोग से दूर ही बनाए रखनी पड़ेगी, तो वरना यार सच में ये मेरा ना बैंड बजा देंगे ये लोग। गाइस यार आप ही लोग नीचे बताओ कि भाई हम लोग पिंचन के साथ क्या क्या करें, मतलब यार बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे पिंचन तुमने कभी चोरी की है? अरे नहीं, लेकिन मैंने पास जरूर मारा है। अरे यार वो तो सिंचन हमारा रोजाना ही मारता, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ ऐसा चीज बताओ ना जो यूनिक हो, कुछ तुम अलग किए हो। अरे फ्रैंकली मैं कैसी बात कर,
कर रहे। सिंचन और पिंचन एक ही वर्ल्ड के तो हैं, मतलब कि एक ही जैसे बट अलग अलग वर्ल्ड के। अरे हाँ ये भी बात सही है, मतलब कि एक ही जैसे बट अलग अलग दुनिया के। तो भाई ये लोग दोनों सेम हुए सिर्फ नाम छोड़ करके, इसीलिए तो भाई यार ये लोग दोनों सेम टू सेम है। चलो एक काम करते जल्दी से भाई पिंचन को यहाँ पे चोको चिप्स खिलाते, उसके बाद यार हम लोग भाई सोचेंगे हम लोग को जाना किधर है। चलो यार जल्दी आ जाओ पिंचन यहाँ पे आ जाओ, हमें भाई चोको चिप्स चाहिए भाई जल्दी जल्दी, दो लार्ज चोको चिप्स। अरे वाह पिंचन चोको चिप्स खाएगा, अरे हाँ सिंचन भी चोको चिप्स खाएगा। सो गाइस यार फाइनली हम लोग ने चोको चिप्स ले लिया, अब बताओ तुम लोग को जाना किधर है। अरे पिंचन को तो बहुत ही गर्मी लग रही है, पता है यहाँ पे बहुत ही गर्मी है। अच्छा भाई ऐसी बात है, अरे क्यों ना फ्रैंकली भैया पिंचन को लेके चलते हैं वाटर पार्क। और यार ये भी कमाल का आइडिया भाई यार, वाटर पार्क भाई गर्मी में वाटर पार्क तो जाना चाहिए, और वो तो भाई हमारे पीछे ही है और नया नया ही खुला है। चलो अरे काम करते हैं वाटर पार्क चलते हैं, भाई वाटर पार्क में जो मजा आएगा ना वो और कहीं नहीं आएगा। अरे हट जाओ सामने से सब लोग, भाई चलो यार ये देखो नई वाली बिल्डिंग है ना, इसके टॉप फ्लोर में वाटर पार्क बना हुआ है और बहुत सारी स्लाइड्स है, राइड है, मस्त मस्त पानी है, और उसके अंदर भाई पानी के अंदर भी बोटिंग कर सकते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अरे सब लोग सामने से हट जाओ भाई, मुझे यार वाटर पार्क जाना है सिंचन और पिंचन को लेकर के। लेकिन गाइस यार अब मुझे यार टिकट ना डबल होने वाला है, मतलब कि यार मुझे दो दो बार टिकट खरीदना पड़ेगा सिंचन के लिए और भाई यहाँ पे पिंचन के लिए। अरे फ्रैंकली भाई इतना तो कर ही सकते हैं। अरे हाँ यार मैं कर ही तो सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यार मुझे डबल डबल पैसे खर्च हो जाएंगे ना, ये बड़ी बात नहीं है क्या। बट छोड़ यार भाई सिंचन और पिंचन के लिए सब कुछ है, चलो यार जल्दी से चलते हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वाटर पार्क, और देख रहे हो क्या ही कमाल का सिंचन और पिंचन वाटर पार्क। भाई यार ऐसा वाटर पार्क तुम लोग ने कभी नहीं देखा होगा, देखो यार क्या ही मस्त वाटर पार्क है, और यहाँ पे लोग भी आए हुए, हम लोग मस्त तरीके से यहाँ पे मस्ती करने वाले। चलो एक काम करते गाड़ी यहाँ पे चुपचाप लगा देते, चलो यार जल्दी से उतरो तुम लोग सब, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करने वाले हैं। अरे पिंचन चलो चलो आज हम लोग बहुत ही मस्ती करेंगे, आज एक काम करते देखते हैं पानी में कौन ज्यादा डुबकी लगा सकता है, आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ रुको रुको सिंचन मैं तो बोट चलाऊंगा, सबसे पहले मैं बोट चलाऊंगा, बोट में चलाने में जो मजा आएगा ना बहुत ही कमाल का होगा, चलो चलो बोट चलाता हूँ। अरे दोस्तों सिंचन को पानी में नहाने में जो मजा आता है वो किसी को नहीं आता, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना गाना चाहिए। ही ही ही। ये लोगों को लग रहा है कि मैं ये लोगों का जुड़वा भाई हूँ, बट ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे भेजा गया है ये लोग दोनों को खत्म करने के लिए। ही ही ही। अब सिंचन को ये गाड़ी से ठोक देता हूँ, ये लो सिंचन, फाइनली मैंने इसे ठोक के पानी के अंदर डुबा दिया। ही ही ही। फाइनली ये तो यहाँ पे बेहोश हो गया, अब फ्रैंकलिन भैया को बोलता हूँ कि ऊपर जाकर के छलांग लगाने के लिए, और मैं ऊपर से उन्हें ढकेल दूंगा, फिर दोनों खत्म, फिर लॉस सेंटर्स में मैं राज करूंगा। ही ही ही। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ है आप? अरे हाँ पिंचन बोलो सिंचन कहाँ है? अरे मैं क्या बताऊँ, पता है वो ऊपर जाके फंस चुका है, उसे डर लग रहा है, चलिए चलिए जल्दी चलिए उसे बचाना है। अरे क्या सिंचन भाई ऊपर जाके फंस चुका है? ओए सिंचन ऐसा क्यों करता है भाई, अकेले क्यों चला जाता है? मैं तुझे हमेशा बोलता हूँ कि भाई तू 5 साल का छोटा बच्चा है। चलो गाइस एक काम करते जल्दी से भाई ऊपर जाते और देखते हैं भाई सिंचन अकेले अकेले क्यों चला गया था। पागल सिंचन रुक यार, सिंचन मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने के लिए, चिंता ना कर भाई, अकेले इधर उधर चला जाता है मुझे यार टेंशन हो जाती है। चलो यार जल्दी चलो, ये सीढ़ी भी ना यार इतना ही ज्यादा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, और इतना ऊंचा है ना ये कि बिल्डिंग में क्या ही बताओ, ये टावर भी बहुत ऊंचा है। चलो चलो जल्दी चलो ऊपर चलो। एक सेकंड पिंचन तो इतना जल्दी ऊपर कैसे आ गया? ही ही ही, मैं पिंचन थोड़ी ना हूँ, मैं तुम लोग दोनों को मारने आया हूँ, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अरे फ्रैंकली भाई बचिए, वो ना पिंचन नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है, वो हमें मारने आया है, वो हमें मार देगा, बचिए बचिए। ही ही ही, बचने का वक्त खत्म हुआ। अरे नहीं, अरे भाई सब नहीं, एक सेकंड गाइस यार ये सब सपना था। अरे फ्रैंकली भैया क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? अरे यार क्या बताऊं, मैंने बहुत ही खराब सपना देखा, बट एक सेकंड तुम क्यों डरे हुए हो? अरे फ्रैंकली भैया मैंने भी बहुत ही खराब सा सपना देखा। एक सेकंड, ये सपने में क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई आया था क्या? अरे हाँ, और क्या हम लोग वाटर पार्क गए थे क्या? अरे हाँ। एक सेकंड गाइस यार, ये सपना थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, ये तो सुबह का सपना है, सच ना हो जाए। गाइस यार नीचे कमेंट करके बताना कि हमारे साथ हुआ क्या, बट यार जो भी हो बहुत ही खतरनाक हुआ था। सो गाइस यार जैसे ही आप लोग देख पा रहे सिंचन और फ्रैंकलिन भाई दोनों एक साथ सो रहे थे और दोनों के पास एक ही जैसा सपना देखा है, क्या वो सपना सच था या वो एक नॉर्मल सा सपना था, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड गाइस अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप हमसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। ओके गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।